अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो था उसमें हमने 5 कार्ड ड्रा करने थे टोटल में से, तो इसकी नंबर ऑफ सैंपल्स हम 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, इसमें से 5 हमने चूज़ करने, तो हमारे पास जो इसका सैंपल आ गया वो इतना आ गया 2598 2960। अब इसमें पहली कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने लेनी है 2 एसेज होनी चाहिए और 2 किंग्स होने चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि एसेज जो हैं वो 4 हैं और जो इसमें से हमने एसेज लेनी है वो हमने 2 लेनी थी। इसी तरह से किंग जो हैं वो भी 4 होते हैं, उनमें से किंग भी 2 ले लेने थे। अब जो बाकी बच गए 44, उसमें से हमने कॉम्बिनेशन लेना था 1 का। उसके बाद 52 कॉम्बिनेशन 5 करेंगे, कॉम्बिनेशन लेके हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले, उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया था वो आया था 0.609 मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज टू पावर -4। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास हैं 2 तरह के तरीके, एक तो हम करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। तो कैलकुलेटर में हमने क्या करना है कि हमारे पास 1584 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 259860 पे, तो हमारे पास ये पावर जो है वो माइनस के अंदर आ गई। हमने क्या करना है, शिफ्ट ई एन जी 2 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका इसकी पावर को ख़त्म करने का ये है कि आपने 6.09 मल्टीप्लाइंग बाय 10 रेज टू पावर -4 लिख देना है। अब -4 हमारे पास है तो हमने क्या करना है, एक लगाना है 0.0 लगाएंगे, टोटल में से एक वैल्यू कम कर देंगे तो हमारे पास पीछे बच जाती हैं 3, उतने हमने 0 लगा देने, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे पास, तो यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी 5 स्पेड्स की। अब स्पेड्स हमारे पास टोटल होते हैं 13 में से हमने 5 जो हैं वो स्पेड्स लेने, जो बाकी 39 बच जाएंगे उसमें से हमने कोई भी वैल्यू नहीं लेनी। तो ये हमारे पास 52 कॉम्बिनेशन 5 जो है नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब है वो 0.0049052 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ हमारा यहाँ तक ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।